कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? क्या किया उन्होंने देश के लिए? सर सचिन पायलट या अशोक गहलोत, क्या लगता है आपको? मेरा कोई कमेंट, मेरा को, हमारे तो वसुंधरा राजे हैं और वसुंधरा राजे जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। As somebody once said, life में ये important नहीं है कि आप क्या जानते हैं, life में ये important है कि आप किसे जानते हैं। Hi, मेरा नाम है मानवेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा show The Influencers। Life में हम कई तरीके के लोगों से influence होते हैं, कभी क्रिकेट से, कभी बॉलीवुड से, कभी फैशन से और कभी पॉलिटिक्स से। मेरे इस एपिसोड के अंदर हम सबसे पहले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर से मिलेंगे। जयपुर में किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक मिस्टर मोहनलाल गुप्ता इसी तरीके के एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम उनके साथ एक इंटरव्यू करेंगे, पर किसी स्टूडियो में ना जाके उस जगह जहाँ पे वो अपना काम करते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और हमने सबसे पहले मेट्रो को चुना। सर, जितने भी लोग जयपुर के हैं उन सबको ये पता है कि जो सिटी के अंदर, जब अपन वर्ल्ड सिटी के अंदर आते हैं, तो ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि जयपुर शहर के लोग जो गाड़ियाँ लेके यहाँ आते हैं, जिनको पार्किंग की दिक्कत होती है, या जो ट्रैफिक इस पूरे भारी ट्रैफिक में यहाँ जयपुर में वर्ल्ड सिटी में आते हैं, उन लोगों को मेट्रो के माध्यम से 5 मिनट में 10 मिनट में यात्रा सुलभ हो जाएगी, ताकि आधुनिक सुविधाओं के युक्त हमारा ये जयपुर शहर बन सके, चार दीवारी बन सके। और इसके साथ साथ पैदल चलने के लिए बरामदे हैं, उनको भी खाली करा दिए, तो पैदल बरामदे भी चलिए, शॉपिंग कीजिए, आराम से इस सिटी को देखिए, हेरिटेज सिटी को देखिए, इसका लुक देखिए, किस प्रकार से इसको बनाया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, इसको देख करके हम आनंदित और प्रफुल्लित हो सकेंगे। मेट्रो के बाद बारी थी छोटी चौपड़ की। चार दीवारी के अंदर छोटी चौपड़ एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो हर जयपुरवासी के दिल के अंदर बसता है। हम लोगों ने देखा कैसे सरकार वहाँ पे एक म्यूजियम बना रही है, जो कि मेट्रो स्टेशन के अंदर ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होने वाला है। सर, अभी तक के इतने सालों में ऐसा क्या रहा कि हमको भी हेरिटेज सिटी में डाला नहीं गया, इस बार ऐसा क्या बदल रहा है? ये विजन की बात है। हमारी मुख्यमंत्री विश्वभर में घूम चुकी हैं, उनको मालूम है कि हमें जयपुर को किस प्रकार से हेरिटेज सिटी डेवलप करना है। हेरिटेज सिटी है ये, जिस प्रकार से जो चौपड़ें बनी हुई है, हमारे बाज़ार बने हुए हैं, चौराहे बने हुए हैं, एक रूपता है गुलाबी कलर की, एक रूपता है अपने नामों की, वाइट और ब्लैक, ये नामों की एक रूपता, वो कहीं भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से चौड़े बाज़ार कहीं नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के बरामदे कहीं नहीं मिलेंगे। मैं भी विश्वभर में घूमा हूँ, लेकिन इस प्रकार की स्थापत्य कला, इस प्रकार की जो बसावट है, वो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए हम इसको चाहते हैं कि विश्व का टूरिस्ट यहाँ आके देखे और देश और विदेश का टूरिस्ट यहाँ आके देखे जयपुर किस प्रकार से बनाया गया। अब सर, जहाँ भी जाते हैं आजकल सब तो मोदी जी की बुराई करते हैं, सब बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई। एक अगर आप लेफ्ट की तरफ से बात करो तो वो बोलेंगे कि पूरे कंट्री के अंदर मार काट मची हुई है, दलितों को मार रहे हैं, बच्चियां सेफ नहीं हैं, चारों तरफ रेप हो रहा है, चारों तरफ डर का माहौल है। बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हम तो छोड़, जिनके घुंघराले बाल होते हैं सर, बड़ी दाढ़ियां होती हैं, वो बोले हम देश छोड़ के चले जाएंगे और बहुत ही बुरा हाल हो गया। आपको नहीं लगता इसके पीछे कोई सच है? ये सब झूठ का पुलंदा है और कांग्रेस के और वामपंथी विचारधारा के लोग, जो पहले पूरे देश को जिन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में रंग रखा था, वो लोगों का भ्रष्टाचार खत्म हो गया, इसलिए वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनकी दलालियां ख़त्म हो गई, इसलिए वो लोग सब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी जैसा ईमानदार और स्वच्छ सफाई का नेता हमारे देश में मौजूद है, इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक बेसिक जो सफाई की आवश्यकता को वो पूरी नहीं कर सके, स्वच्छ भारत का निर्माण ये आवश्यक चीज थी, आज तक कांग्रेस ने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? क्या किया उन्होंने देश के लिए? सर, अशोक गहलोत जी तो महासचिव हो गए हैं, वो जिस भी स्टेट के अंदर जाते हैं, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, वहाँ पे वो
एक टाइम था जब बीजेपी कभी हार ही नहीं रही थी, आजकल वो बराबरी पे लेके आने लग गए। अब तो लोग कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए जाएंगे अगर मेरे को कोई सर सचिन पायलट या अशोक गहलोत क्या लगता है आपको? मेरा कोई कमेंट, मेरा को, हमारे तो वसुंधरा राजे हैं और वसुंधरा राजे जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। सर राजस्थान के अंदर जितने भी सिटी हैं उसमें जयपुर में वर्ल्ड सिटी जो कि ऐसी धरोहर है जिसको छोटी काशी भी कहते हैं जयपुर को, उसके आप विधायक हैं, ऐसा इस बार क्या हुआ है सर कि पब्लिक को लगे कि बीजेपी की तरफ से? देखिए जयपुर में अभी 4-5 दिन बाद में द्रव्यवती नदी का उद्घाटन होने वाला है, मेट्रो का उद्घाटन हो गया जो अगले महीने से मेट्रो का ट्रायल रन चालू हो जाएगा, ये एक लाइफ लाइन हो गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जयपुर शहर में जो है जगह जगह घर घर से कचरा उठाने वाली गाड़ियां लग गई, जगह जगह ओवरब्रिज बन रहे हैं, झोटवाड़ा का बन रहा है, सिविल लाइन्स का बन रहा है और अन्य स्थानों पर बन रहे हैं। तो रोजगारेश्वर मंदिर बन गया और अपना पुनर्स्थापन करके उसका भव्य स्वरूप स्थापित किया गया, ये कम बात है क्या हम लोगों के लिए? ये मेट्रो लेके आए हैं, वहाँ लोगों ने हल्ला मचाया, ये किया दिया वो कर दिया, लेकिन अब सारे मंदिर बन गए, सब चीज़ें बन गई, चौपड़े बन गई, चौपड़ों का भव्य स्वरूप आ गया, एक अच्छी म्यूजियम बन गई, सफाई हो गई, सारा वॉल सिटी क्लीन हो गया। और हम सोचते हैं कि जो कांग्रेस के लोग मंदिरों में जा रहे हैं वो तो राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, हम वास्तव में कमिटेड हैं मंदिरों के लिए, हम वास्तव में कमिटेड हैं हिंदुइज्म के लिए, और हिंदुइज्म का मतलब एंटी मुस्लिम नहीं है, सब लोग साथ में रहें, विश्व बंधुत्व की भावना हम सब लोगों में हो, इस प्रकार का हम देश चाहते हैं, इस प्रकार का हम ये शहर बनाना चाहते हैं। सर अब रोजगारेश्वर महादेव के आशीर्वाद से रोजगार का क्या है सर, वो कब होगा सर? रोजगार भी खूब लगाएंगे, अभी अभी एग्जाम होता है तो सर 10-10 लाख की भीड़ आती है, भीड़ आती है, लेकिन अभी हमने 84,000 टीचरों की भर्ती करी, अभी हमने करीब 20,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, अभी हमने टीचर्स की भर्ती करी है, अभी हमने पुलिस के होमगार्ड्स की प्रमोशन का काम किया है, पटवारियों का, तहसीलदारों का भर्ती का काम किया है, और उसके साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, भामाशाह ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, आईटी सेक्टर से जोड़ने के लिए बनाया है, प्राइवेट कंपनियों में काफ़ी नौकरियां लगी है, सरकार ये पूरा प्रयास कर रही है कि बेरोजगारी को दूर किया जाए। चेन स्नैचिंग के इस तरीके से क्राइम के वो रेट बढ़े हुए हैं सर, अभी इसको आप चाहे नशे से रिलेट करें कि लड़कों को एकदम जरूरत महसूस होती है तो वो चेन स्नैचिंग करते हैं या इसके पीछे कोई और धारणा बने, पर डेली न्यूज़पेपर के अंदर आज यहाँ 3 चेन स्नैचिंग हुई, आज वहाँ चेन स्नैचिंग हुई, तो ये जो एक होता है कि क्रिमिनल जो है वो फ्री माइंड है सर या फिर? नहीं नहीं नहीं, क्रिमिनल के मन में डर है, ही इज़ नॉट फ्री माइंड, अगर वो कोई भी घटना करता है तो निश्चित रूप से पकड़ा जाता है। जयपुर में मुझे मालूम है कि बहुत सारी घटनाएं हुई और उनको उन घटनाओं को सॉल्व कर दिया, एक आध कोई केस होंगे, बाकी तो अधिकांश घटनाओं में आदमी पकड़ा जाता है, चेन स्नैचर पकड़ा जाता है, मोबाइल स्नैचर पकड़ा जाता है और चोरी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, फुटेज कैमरे लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उन पर पुलिस प्रयास कर रही है कि उसको ठीक ढंग से पकड़ के और उसको कानून व्यवस्था के तहत उसको मुकदमा चलाया। सर हेल्थ रिलेटेड आज आप SMS चले जाइए चाहे कहीं भी चले जाइए, आप जहाँ भी जाएंगे सर एक एक जगह में दो दो मरीज हैं, इतने सारे मरीज इस तरीके की जगह, ये स्पेस, ये हेल्थ कैसे सुधरेगा सर? सर अब आप इसका SMS का स्वरूप जाके देखिए, ये कितनी बढ़िया सफाई व्यवस्था है, कितनी बढ़िया एक रिसेप्शन सेंटर बन गया, उस रिसेप्शन सेंटर पर आकर के अपना टोकन लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए और वापस आइए, जाँचें फ्री होगी, जाँचों को जो है हम SMS के द्वारा भेज देते हैं कि आपकी जांच की रिपोर्ट ये है, बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, और विभिन्न क्षेत्रों में हॉस्पिटल खुल गए, यहाँ किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में मैंने 4 हॉस्पिटल खोल दिए, जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल खोल दिए और वहाँ बिल्कुल पैदल जाइए और जाके दिखाइए आइए। चलिए सर आपने बहुत टाइम निकाला सर हमारे लिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था मेरा शो द इन्फ्लुएंसर, जिसके अंदर हम मिले इस बार एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर मिस्टर मोहनलाल गुप्ता सर, अगली बार एक ऐसे ही और इन्फ्लुएंसर से हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं ना कि खुद के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को इस बारे में बताएं। थैंक यू।